देखो वो जो चेक शर्ट में वो बता कुछ कुछ स्माइल जेल में नहीं जा रहे हो एंजॉय करने जा रहे हो खाता है
दादा का सोलो है, दोनों सोलो है, दोनों कटआउट के भी सोलो 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 हां सोलो सोलो कटआउट के भी थोड़ा पीछे ये भी लगे थोड़ा पीछे ले लो भाई इसका थोड़ा पट हां एक मिनट मारूं यार नहीं 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 मार का टिकट का तो एक पोस्ट काटी है ना हां भागे वो थोड़ा सा ये थोड़ा पट दादा हां थोड़ा पट दो एक पट दो आ जाओ इधर तो पोस्टर ही कर दे पीछे लेना पोस्टर एक सेकंड ना दादा एक सेकंड एक सेकंड हां बच्चों के साथ आ रहे हैं एक आपसे नहीं थे पूरे चलो 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 साइड हो जा साइड हो जा साइड आगे हैप्पी बर्थडे कुछ गया बच्चों हैप्पी बर्थडे बैनर्स बैनर्स हो गया बच्चों बैलेंस का इनके पीछे अरे अब टोंडा पड़े गया दादा अरे भाई पीछे पीछे हां बस 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 उसे और तो ये दे दो उनके हाथ में ये दो हां ये दे दो अरे मां का ठीक है सब आ रहा है तो कौन है फोन किया रवि तो कौन है बाहर सामने ए काला टी या आगे पकड़ थोड़ा पीछे जा बेटा दादा के पास जाओ हैप्पी बर्थडे टू बपीदा हैप्पी बर्थडे टू बपीदा दादा का फिल्म का गाना एक ताली बजाओ सब बच्चे लोग के लिए हैप्पी बर्थडे
लव यू दादा कम ऑन लव यू लव यू दादा सब लोग अभी खाना खा लो आप लोग मिल गया ठीक है ठीक है बच्चे लोग आ जाओ साथ में दादा के हाथ मिला रही चलो हाथ कम बच्चा जो एक साइड में आ जाओ विश करते हुए दादा दिस इज द बर्थडे मेन बर्थडे हो गया बच्चे लोग को मिल गया पैसा थैंक यू दादा एक काम करो ना गेट खोल दो भाई वॉचमैन बस यही था यही था, बस यही खड़े हो जाओ बस यही और आने दो आप ऐसा लीजिए हाँ हाँ सर वही ले रहा हूँ मैंने दादा के साथ में बस बेटा मिला के छोड़ते हैं दादा थोड़ा सेंटर आइए ना थोड़ा सा आप ये हटा सकते हैं क्या ऊपर का हाँ निकल जाएगा दादा दादा हाथ उठाओ हाथ उठाओ सब लोग हाथ उठा के चलो चलो थैंक यू दादा है दादा
और जिसको मिला जाए वो साइड में होते जाए, जिसको मिला साइड में आ जाए, बच्चों सबको मिलेगा। चलो 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 बेटा, जिसको मिल रहा हूँ चलो चलो, जिसको मिलना वो बाहर जाओ, बाहर जाओ, चलो साइड में, साइड में, साइड में जाओ, उधर ही जाओ साइड में। खड़े हो जाओ वहीं पे, खड़े हो जाओ, चलो ले लो फोटो, ले लो भाई। हो गया ये बेटा, बेटा बस 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 बस, चला आता पार्टी, चला पार्टी, पार्टी मांगे चला आता। First of all, happy birthday to you. Thank you, thank you.
आप 65 इयर्स के हो गए हो, सो यू आर वेरी यंग. सो कैसे लगा? बिकॉज़ यंग मींस 50 इयर्स होने लगा मेरा बॉलीवुड टॉलीवुड का जाने में, क्योंकि मेरा पहला बांग्ला पिक्चर आया था 15 साल की उम्र में 1969 में. तो आप सोचो कैसे है, तो 50 साल हो गया. तो बस ये एक ही जर्नी जो चल ही रहे इसमें मैं ऊपर ईश्वर अल्लाह को मैं बस मानता हूँ. उनका ही आशीर्वाद से मैं जो भी कुछ हूँ. हॉलीवुड में भी बहुत काम कर रहा हूँ मैं, लायन, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, मोहाना, काफ़ी फिल्म्स आया लास्ट ईयर. और बॉम्बे में भी देखिए तमा तमा लोगे क्रेज़ हो गया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, रात बाकी बात बाकी. तो मैं काम आगे भी मेरा बहुत पिक्चर आ रहा है. 2019 में कम से कम 5 पिक्चर रेडी है, बड़े बड़े पिक्चर आ रहे हैं. ये साल मेरा दो पल प्यार के एक पिक्चर आ रहा है, बहुत अच्छा म्यूजिक, वेरी नाइस, राष्ट्रीय पुत्र था. फिर एक पिक्चर मैंने गाना गाया लाकी, इज ए मराठी फिल्म, आउटस्टैंडिंग गाना हुआ. तो आई एम लुक फॉरवर्ड टू सी द क्या रिएक्शन है पब्लिक का. बापिता का बहुत दिन बाद, कम से कम 20 साल का बाद मराठी गाना गाया मैंने, पहले गाया था. तो बस चल रहे उलाला, तूने मारी एंट्री, तम्मा तम्मा. देखिए मेरा तो अनगणित पिक्चर है, 600 के ऊपर पिक्चर है, लेकिन मैं हमेशा काम करता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ. और अभी सबसे बड़ी चीज़ जो है मेन आज का मुद्दा जो है, एक तो मैं सोशल लाइफ मैं बहुत पसंद करता हूँ. जो बच्चे लोग को मैं सब मिला, लोग डांस किया, उनको प्यार किया, बहुत ही बड़ा मुद्दा था. और आज सबसे बड़ी मुद्दा जो है, एक पिक्चर का मैंने डायरेक्टर हो गया आज से, मीन्स फीचर फिल्म डायरेक्टेड बाई बप्पी लहिरी. जो मैं ऐसे शॉर्ट फिल्म किया लेकिन फीचर फिल्म नहीं किया. पिक्चर का नाम है एक अधूरा संगीत. तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मैं खुद डायरेक्शन दे रहा हूँ, म्यूजिक भी मैं ही कर रहा हूँ, प्लस मेरा बेटा बप्पा लहिरी, दोनों मिलके कर रहे हैं, बप्पी लहिरी एंड बप्पा लहिरी. तो बस मैं ये पिक्चर स्टोरी लाइन इतना अच्छा है, जो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आजकल स्टोरी चलता है, स्टार कास्ट नहीं चलता है. स्टोरी अगर पब्लिक को पसंद आ गया, आप तो देखते होंगे इस साल में जो पिक्चर आया, बड़े बड़े पिक्चर नहीं चला लेकिन मीडिया का स्टार का सुपर डुपर हिट हो गया. सब्जेक्ट इज़ गुड. तो बस कोशिश करता हूँ ये एक अधूरा संगीत का, जो मैं चाहता हूँ बस ये पिक्चर में एक नया कुछ संदेश दे सकता हूँ. प्रोडक्शन है मंजू भारती, शी इज द प्रोड्यूसर, प्रैक्टिकली उनका ही प्रोडक्शन है. मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, म्यूजिक डिपार्टमेंट बापी लहरी एंड बप्पा लहरी बहुत, बट कैमरा मैन हम बहुत अच्छे लेंगे, मैं सोच के रखा. टेक्निकल टीम शुड बी द टॉप नंबर वन. उनसे तो देखिए एक आदमी के लिए कोई पिक्चर सक्सेस नहीं होता है, सब मिल के सक्सेस होता है. शॉर्ट फिल्म के अंदर मिला स्लम स्टार्स, फॉक्स न्यूज ने दिया हमको, प्लस सिडनी से हमको दिया अवार्ड, ऑस्ट्रेलिया से. बट ये मैं अवार्ड के लिए भी मैं कोशिश करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, कुछ अलग टाइप का सब्जेक्ट है. जो दादा कंपोजिशन आप करते थे, म्यूजिक करते थे, डायरेक्शन में नहीं, क्या है देखिए 620 फिल्म्स का बाद मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया ना. अब 620 पिक्चर का बाद आदमी का तो एक्सपीरियंस हो जाता है. आज संजय लीला बंसाली अगर 3 पिक्चर का बाद वो डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता था, मैं क्यों नहीं बनूँ, कोशिश तो करें. वो तो इज़ अ बिग मैन, बिग शॉट, फैंटास्टिक मेकर. मैं विशाल भारद्वाज भी है, म्यूजिक भी करता है, डायरेक्शन करता है, लेकिन वो तो हमसे तो सीनियर नहीं है, लेकिन मैं तो सबसे सीनियर मोस्ट है ये बॉलीवुड में. दादा आज आपका 65th बर्थडे और इतने प्यारे बच्चों ने आपके साथ ये सेलिब्रेट किया है, इसके बारे में कुछ बताइए. यही है बप्पी लहरी, मेरा गाना कभी पुराना नहीं होता है.
चाहे उलाला गाऊँ, चाहे तूने मारी एंट्री गाऊँ, चाहे तम्मा तम्मा गाऊँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे डांस करेगा, चाहे मेरा 25 साल का पुराना गाना चाहिए थोड़ा प्यार, अभी भी मैं फंक्शन में जाता हूँ फुल पब्लिक गाता है। यह होता है एक, एक मैंने जो पसंद है, एक मेरा गाना कभी पुराना नहीं होता, कभी नहीं। आज तक आप बोलिए जख्मी का गाना आओ तुम्हें चाहत पे ले जाए, अभी भी आदमी लोग आह वाह वाह वाह, ये गाना चलते चलते कभी अलविदा ना कहना, कब का पिक्चर है, 74-75 का पिक्चर है, अभी भी पूरा पब्लिक गाता है मेरे साथ। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। ऐसे क्यों होता है कि दुनिया रिटायर होती है और आप फिर से बैठ जाते हैं? कुछ करना चाहता हूँ बस। देखिए आज मैं एक म्यूजिक लाइन में हूँ, एक अमिताभ बच्चन जी हैं जो स्टार में हैं, सुपरस्टार, ही ऑल्सो वर्किंग हार्ड। देखिए किसी का कोई हम लोग को दोनों का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कमा के हम लोग को फ़ायदा होगा, लेकिन एक इच्छा ही होता है अंदर से, आह कुछ करो, कुछ दिखाओ। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैं अनुषा को बोला था, हो सकता है मैं हॉलीवुड में आना जाना करते रहता हूँ, हो सकता है कोई पिक्चर हॉलीवुड में डायरेक्शन देंगे, उनका उनका इच्छा है। अभी बॉलीवुड से शुरू हुआ, हॉलीवुड में हो सकता है। और एक चीज़ नया किया मैंने, जो आज कुछ बुक्स मैं रिवील करूँगा, वी आर वन, वी वांट पीस लव एंड हारमोनी, वी वांट पीस लव एंड हारमोनी, दिस बुक है आई हैव रिटन 25 सॉन्ग्स हैं जो वर्ल्ड में मैंने कोशिश कर रहा हूँ जो शांति पुरस्कार के लिए नोबेल में भेजूँ। उसमें गाना है ऐसा, वी आर वन, वी आर द वर्ल्ड, वी वांट पीस अराउंड द वर्ल्ड, वी आर फैमिली, बट सब इंग्लिश में है गाना। तो मैं देखिए कुछ मैसेज तो देना ही चाहिए, इतना साल कामकांड के बाद अगर जो मैंने जो अधूरा संगीत, उसमें भी एक मैसेज है। मैसेज मीन्स आज का जो नारी को सम्मान करना चाहिए, सम्मान के लिए कितना कुछ चल रहा है आज भारत में, भारत में नहीं पूरा दुनिया में चल रहा है। तो मेरा एक 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 मुद्दा है इसमें अधूरा संगीत में, कि कैसे नारी को सम्मान करना, कैसे संगीत को करते करते आधा हो गया उनका लाइफ में, संगीत पूरा नहीं हुआ, आधा संगीत हो गया, अधूरा हो गया। बट आई वॉन्ट टू मेक समथिंग लाइक दैट, मेक ए न्यू टाइप ऑफ सॉन्ग्स जो सबको खुशी हो जाएगा, वाह क्या बात है। कि मैं चाहता हूँ, देखिए क्या होता है, सबको लगता है मैं ये पिक्चर का शूटिंग मैं लंदन में कर रहा हूँ स्टार्ट टू फिनिश, और स्टार्ट का जरा गला बैठे हैं। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, क्यों आज जन्मदिन है, खुशी खुशी गाना गाना चाहिए। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे, दुनिया वाले कुछ भी समझे हम है प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गाके प्रेम ताराने। दे दे प्यार दे, प्यार दे रे बपीदा को प्यार दे। थैंक यू, थैंक यू।